बच्चे लोग, हमने पिछले लेसन में ओ की मात्राओं के बारे में जाना और ओ की मात्राओं से शब्द बनाए और उनको किस तरह व्यंजन में मिक्स किया जाता है ये भी हमने जाना है ना। अब आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, आपके सामने हम जो अक्षर लेकर, जो मात्रा लेकर आ रहे हैं वो है औ की मात्रा। देखिए यहां पर लिखा मैंने औ की मात्रा, द सिंबल ऑफ औ, औ की मात्रा, द सिंबल ऑफ औ, है ना। तो मैं यहां पर लिखता हूं औ, किसकी मात्रा आया, औ की मात्रा। तो इस औ की मात्रा को व्यंजनों में यदि हम मिलाएंगे तो कैसे तैयार होते अक्षर और उसकी ध्वनि कैसी निकलती है ये हमें देखना है। यहां पर हमें थोड़े यहां पर अक्षर दिए गए हैं, इन अक्षरों को हमें औ की मात्रा को जोड़कर पढ़ना भी है और लिखना भी है। आर यू रेडी? यस। तो पहला अक्षर है आपका क, घ, ट, ब, ह। ओके बच्चे लोग, यह है हमारे व्यंजन क, घ, ट, ब, ह। इसको कोई मात्रा है क्या? नहीं है, कुछ भी यहां पर मात्रा ही नहीं दिखाई दे रही, ये खाली व्यंजन है। हमें इसमें औ की मात्रा को ज्वाइन करना है, यानी कि मिलाना है। ब को औ की मात्रा, ग को औ की मात्रा, कौ, क को औ की मात्रा, कौ, क को औ की मात्रा, कौ, घ को औ की मात्रा, घौ, घ को औ की मात्रा, घौ, ट को औ की मात्रा, टौ। क को औ की मात्रा हमने यहां पर लगाने से कौ बन गया, क को औ की मात्रा, कौ, घ को औ की मात्रा, गौ, घ को औ की मात्रा, गौ, और ट को औ की मात्रा, टौ, ट को औ की मात्रा, टौ, और ब को औ की मात्रा लगाने से बौ, ब को औ की मात्रा, बौ, ब को औ की मात्रा, बौ, और ह को औ की मात्रा, हौ, ह को औ की मात्रा, हौ, ह को औ की मात्रा, हौ। बच्चे लोग यहां पर हमने व्यंजन पढ़े क, घ, ट, ब, ह, इसे औ की मात्रा मिक्स करने से क का बन गया कौ, घ का गौ, ट का टौ, ब का बौ, ह का हौ। तो ऐसा व्यंजन में ये मात्राएं मिक्स होने से क्या हो सकता है, ऐसे हमें अक्षर बन सकते। तो अभी बच्चे लोग यहां पर बहुत सारे आपको ऐसे अक्षरों को दिया है और आपको इसको पढ़ना भी है, लिखना भी है, समझना भी है, ओके ना। तो फर्स्ट वन कौ, जाओ, दौ, शौ,
सौ गौ डौ भौ मौ वौ क्षौ तौ भौ रौ लौ यौ थौ छौ डौ। ओके, देखो ये आपको अक्षर औ की मात्रा के साथ दिए गए हैं। कौ जौ दौ शौ शौ चौ गौ डौ फौ मौ वौ क्षौ तौ भौ रौ लौ यौ ठौ छौ ढौ। ऐसे आपको इसको पढ़ना है, लिखना है और प्रैक्टिस भी करना है। बच्चों लोग, हमने क्या किया, औ की मात्रा को व्यंजन के साथ जोड़कर अक्षर तैयार किए, लेकिन इन व्यंजनों की जो अक्षरों से औ की मात्रा से जोड़कर जो शब्द बने, उन शब्दों को अपन लेने वाले और उसके अलग अलग पार्ट्स भी कर आपको दिखाने वाले। देखो एक बार कैसे बनते, कौन से वो शब्द हैं, हमें दिए गए वो शब्द कौन से हैं। देखो, आर यू रेडी, पौधा पौधा, आपने देखा है पौधा को, देखा है ना पौधा। लौकी लौकी और नौका, और क्या नौका, पौधा पौधा, पौ को औ की मात्रा पौ, दा को आ की मात्रा धा, पौधा। ल को औ की मात्रा लौ, क को ई की मात्रा खी, लौकी। न को औ की मात्रा नौ, क को आ की मात्रा का, नौका। तो इसको अलग अलग हमें कैसे लिखना है, देखो, प प्लस औ की मात्रा पौ प्लस धा आ की मात्रा पौधा। ल औ की मात्रा लौ, क को की ई की मात्रा के, लौके। न औ की मात्रा नौ, क को आ की मात्रा का, नौका। पौधा लौकी नौका, पौधा लौकी नौका। पौधा मीन्स प्लांट, ओके प्लांट है ना। लौकी बॉटल गार्ड, कौन कौन खाते हैं, कौन कौन खाते हैं बॉटल गार्ड,
ओके। नौका, नौका मीन्स बोट, नौका मीन्स बोट। बोट पर आप बैठे हैं सब लोग, है ना। बोट किस पे चलती है? हवा में चलती है? नहीं रे बाबा, पानी में चलती है बोट, वाटर पर जाते हैं ना। तो पौधा लौकी नौका। तो बच्चे लोग आओ, थोड़े यहां पर शब्द दिए उसको भी हम रिपीट करेंगे। एक बार देख लीजिए, रेडी, ओके। सब लोगों को सुनना है अच्छी तरह, ओके। देखो, माउन, माउन, कौवा, मौका, बौना, बौना, मन, मौन, मौन, मौन मीन्स, देखो म को औ की मात्रा मऊ ना, मौना। क को औ की मात्रा कौ आ, कौआ। म को औ की मात्रा मऊ, क को आ की मात्रा का, मऊका। ब को औ की मात्रा बऊ, न को आ की मात्रा ना, बऊना। मौन, कौवा, मऊका, बऊना। मौन, कौवा, मऊका, बौना। मौन मीन्स क्वाइट, है ना। मौन कैसे? क्वाइट रहना, साइलेंस। कौवा, कौवा कैसा कहता है? काउ 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 काउ। कौन है वो? कौवा, क्रो, है ना। काउ का करता है काला काला, मतलब ब्लैक ब्लैक। मौका, चांस, चांस, मौका मीन्स चांस, है ना। और बौना, बौना मीन्स ड्वार्फ, ओके। तो बच्चे लोग, मौन, कौवा, मौका, बौना, और भी आगे थोड़े हैं, वो भी हम उस लाइन को भी पूरा कर लेंगे। तो हमारा ये लेसन पूरा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। तो बच्चे लोग आगे का भी मैं लिख रहा हूं, देखो। नौकर, नौकर, मौसम, मौसम, चौकट, चौकट, तौलिया, तौलिया, ओके। देखो, न को औ की मात्रा नौ कर, नौकर। म को औ की मात्रा मऊ सम, मौसम। च को औ की मात्रा चौ ख ड, चौकट। त को औ की मात्रा तऊ, ल को पहली ई की मात्रा ई ली, य को आ की मात्रा या, तौलिया, ओके। नौकर, मौसम, चौकट, तौलिया, है ना बेटा। तो बच्चे लोग यहां पर नौकर, नौकर मीन्स सर्वेंट। आपके घर में है कोई नौकर? सर्वेंट, है ना। मौसम, वेदर, बापरे आज वेदर कैसा है, कूल कूल है वेदर, वेदर, मौसम, वेदर। च
चौखट, डोर है ना, हमारे घर मकान को क्या होता है, हाउस को डोर होता है, डोर। तौलिया, टॉवेल, स्नान करने के बाद हम बात करने के बाद किससे पहुंचते हैं, टॉवेल से। तो नौकर, मौसम, चौकर, तौलिया, और भी थोड़े शब्द है वो भी हम क्या कर लेंगे, आप लिख लेंगे। ओके, तो आगे के शब्द बच्चे लोग यहां पर देखो, मैं लिख रहा हूं, औरत, औरत, खिलौना है ना, नेक्स्ट बिछौना, 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 हथौड़ा, हथौड़ा। ओके, देखो आओ रदा, औरत, आओ की मात्रा डायरेक्ट आ गया, ख को पहली ई की मात्रा खी, ल को औ की मात्रा लो, न को आ की मात्रा ना, खिलौना, ब को पहली ई की मात्रा बी, छ को औ की मात्रा छो, न को आ की मात्रा ना, बिछौना, ह थ को औ की मात्रा थौ, ड को आ की मात्रा डा, हथौड़ा। समझ रहे ना, देखो औरत, खिलौना, बिछौना, हथौड़ा, औरत, खिलौना, बिछौना, हथौड़ा। तो इसके आंसर्स भी हम यहां पर इंग्लिश में मीनिंग्स भी लिख लेंगे। ओके ना, औरत वुमेन है ना, औरत मींस वुमेन, खिलौना टॉय, आपके पास कौन सा टॉय, कार, रोबोट, हाँ कुछ है ना, ओके। बिछौना, बेड, आप बेड के ऊपर सोते हैं ना, आपके घर में बेड है, बेड के ऊपर सोते हैं। हथौड़ा, हैमर, हैमर मालूम है, हैमर कीले ठोकते हैं यार, टक 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 है ना। तो औरत, खिलौना, बिछौना, हथौड़ा। बच्चे लोग ऐसे हमने औ की मात्राओं से भी शब्दों को बनाया, इंग्लिश में उन शब्दों का अर्थ भी समझा, अक्षरों में कैसे औ की मात्रा लगाई जाती है ये भी हमने जाना। तो अब हम आगे जाने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द बनाए हम आगे जाएंगे या अभ्यास कार्य की तरफ जाएंगे, अभ्यास कार्य। ओके, क्या है अभ्यास कार्य हमारा,